अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी आज का व्लॉग जी करते हैं हम शुरू। मुझे डेली आपको जो है सबसे पहले मौसम के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि मौसम माशाल्लाह आजकल जो है बहुत ही अच्छा है। ना बारिश आने का पता लगता है और ना जाने का पता लगता है। फाइनली जी आप पीछे देख रहे होंगे कि ये काम जो है कम्प्लीट होने के बिल्कुल करीब है। फर्दर दो दिन आई थिंक लगेंगे, उसके बाद हमारा जो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने उसकी अभी जो दीवारें हैं वो बन रही थी, उसके बाद आज देखें हमने कुछ जालियां जो हैं लगा दी हैं और कुछ कल लग जाएंगी, और उसके बाद एक दिन जो है वो उसकी छत पे लगेगा, उसके बाद काम फाइनल हो जाएगा। फिर हमारी जो है वो होगी कि हम जाके परिंदे लें और उसके अंदर परिंदे छोड़ें। तो आइए आपको दिखाते हैं हमने किस तरह से वो जालियां लगाई हैं और सारा सिस्टम बनाया है। ये देखें जी मिस्त्री साहब जो हैं ये काम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मिस्त्री हैं, ये हमने बड़ी दूर से मंगवाए हैं। ये देखें ये काम कर रहे हैं, ये देखें दीवारें बन चुकी हैं इतनी सारी, और ये अभी आपको जालियाँ मैंने दिखानी हैं। ये देखें कल की वीडियो में जो है ये नहीं लगी हुई थी, आज देखें आप ये जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये जालियाँ जो हैं हमने लगा दी हैं। इसमें परिंदों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हवा लगेगी और जिससे वो इजी फील करेंगे। तो ये देखें जी ये जालियाँ लगी हैं। अगर आपको ये नीचे का सिस्टम दिखाऊं तो आप ये नीचे देखें, ये रोड है और ये नीचे दुकान है, ठीक है। दिन के बाद ये है काम जितना जो है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम इसकी अंदर का जो सिस्टम है वो बनाएंगे परिंदों के लिए, उनके घोंसले वगैरह जो होते हैं, और उसकी जो पानी के लिए दाने के लिए जो चीज़ें रखनी होंगी वो रखेंगे, और उसके बाद जो है फाइनली जाके परिंदे ले आएंगे और इसके अंदर परिंदे रखेंगे। तो आप मुझे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि आप परिंदों की जो है वो मशवरा दें कि कौन से परिंदे रखें और कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपकी राय के साथ भी चलूँगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझे अच्छी राय दें। ये देखिए जी मिस्त्री साहब अकेले काम कर रहे हैं, साथ मज़दूर कोई नहीं है। ये उनसे रो रो के इल्तजा कर रहे हैं, अरे भाई आ जाओ कोई हमें जो है काम के साथ मेरे साथ मिल जाए, मुझे जो है कोई देख दे मिसाला उठा के दे। ये मिसाला होता है जिसके साथ ये ईंटें लगती हैं और ईंटें मजबूत होती हैं। और ये देखें वो काम कर रहे हैं साथ के साथ जो है, कैसे वो फेंक रहे हैं और ये पकड़ रहे हैं। वाह जी वाह, देखें ये हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अगर ये चाइना में होता या जापान में होता तो इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी बनानी पड़ती और उसके साथ जो है इंजीनियर बैठते। यहाँ देखें आप डिजिटल तरीके के साथ काम हो गया आसानी से। ये देखें वो बना, आइए नीचे चलते हैं जी, नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे जा कर मैं दिखाता हूँ हैं मेरे, वो आपको दिखाता हूँ। तो आप मुझे बताएं, मुझे क्या नेम तो नहीं आता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि इनका नेम क्या है, इन परिंदों के नेम क्या क्या हैं। तो वो डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे उनके नेम जो है वो क्या क्या हैं। तो अभी चलता हूँ मैं नीचे स्टेप से, मैं चलता हूँ ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से उतर नीचे से जाता हूँ। आप लेकिन जाना नहीं है मेरे साथ, मैं वीडियो देखते रहना और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे नहीं गया मैंने, नीचे से ऊपर जो है वो मंगवा लिए हैं तीतर, तो तीतर जो है वो ऊपर आ गए हैं, उनका पिंजरा है वो भी आपको दिखाता हूँ। और इनको जो है ये बोलते बहुत ही अच्छा है, तो इनका जो बोलने का तरीका है वो भी आपको इस ये जो बोलते हैं वो भी दिखाता हूँ किस तरह से ये ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि मेरे ये कैसे हैं तीतर, अच्छे हैं, इनकी वॉइस कैसी है वो भी मुझे बताएं। तो ये ऐसे पहले तो विसल से बोल जाते हैं, अगर विसल से ना बोले तो फिर नेट से जाके यूट्यूब से कोई इनके रिलेटेड जो भी है वो वॉइस निकालनी पड़ती है तीतर की, इनको सुनवाते हैं फिर ये बोलते हैं। तो आइए पहले मैं विसल से इसको ट्राई करता हूँ, अगर विसल से बोलते हैं ठीक, वरना नेट से निकालता हूँ मैं इनके लिए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इनके लिए यूट्यूब से निकालो वॉइस और इनको सुनाऊँ फिर ये बोलेंगे। एक मरतबा अगेन मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं बोलते हैं या नहीं बोलते हैं।
अभी ये देखें, एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भाई साहब निकाल रहे हैं, अभी इनमें से एक निकालेंगे, दोनों नहीं निकालते। अगर दोनों निकालें ये तो फिर भाग जाएंगे। इसमें से एक निकालते हैं, देखिए ये जा रहा है। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं, देखिए हो रहा है। अभी आपने देखा टीचर किस तरह से बोल रहा था, तो मैंने मोबाइल आगे किया और वीडियो बनाने की कोशिश की तो उड़ के चला गया। अभी कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए, तो उसको जो है नीचे पिंजरे में डालते हैं, अगर आ जाते हैं तो पकड़ के। तो दुआ करें आ जाए। अभी जो हमारा दूसरा तीतर था उसके पीछे भाग भाग के मुझे सांस फूल रही है मेरी, तो दुआ करें वो वापस आ जाए, फिर उसको हम पिंजरे में डाल के बंद करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल इंशाल्लाह मैं आपको सारे परिंदों और जानवरों की तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पे। तस्वीरें सॉरी कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो उसकी दिखाऊँगा वीडियो में। कल सारे मेरे पास छोटे वाले भी थे, अभी वो हैं नीचे हैं वो दिखाऊँगा, और दूसरे भी जो भी हैं वो भी दिखाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में इम्प्रूव की जाएँ, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने वाली हैं, तो प्लीज़ वो मुझे आप बताएँ अपनी जो कीमती राय से जो है वो आगाह करें, ठीक है। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।